हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़, जो कि छोटे से लेकर बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर और इसे भिगा दिया है। फिर दूसरे इसे हमने 3 दिन भिगाना है और इसका रोज़ पानी बदलना है। फिर 3 दिन बाद हम इसका पानी निकाल कर इसे धो लेते हैं और मिक्सी के जार में इसे डालकर इसमें 2 चम्मच भीगा साबूदाना या साबूदाना पाउडर डाल लेते हैं और उसे इसका घोल बना लेते हैं। इसे एकदम बारीक पीसना है हमें। इसे ज़रूरत पड़ने पर और पानी डालकर इसका पतला घोल बनाएंगे। अब ये घोल लगभग तैयार हो चुका है। हमें डोसे के बैटर जैसा घोल बनाना है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे और स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच तिल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा घोल एकदम तैयार है। अब हम पापड़ बनाने के लिए एक कोई भी बर्तन लेंगे, किसी भी साइज़ का। फिर उसमें एकदम फिट आए इस तरह के 3 थालियाँ लेंगे, 3 या 2 थालियाँ लेंगे। इन थालियों को हम अच्छे से तेल लगाकर और ग्रीस कर लेंगे और हम पानी को उबालने के लिए रख देते हैं। अब हम थाली में थोड़ा मिश्रण डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फैला देते हैं। थाली को घुमाकर हमें फैलाना है। इस तरह हमने पपड़ी बना ली है। अब इसे उबलते पानी पर रख देते हैं। पहले हम एक तरफ से पकाएंगे। इसके लिए 15 से 20 मिनट में इसका कलर चेंज होने लगता है, 15 से 20 सेकंड में। 15 से 20 सेकंड में इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे पलट के रखना है हमें। अब हम इसे कपड़े से पलट कर सावधानी से उल्टा करके रख देते हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए। इसे पकने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। इसी तरह हम अलग अलग शेप में, आप चाहे तो छोटी छोटी पापड़ भी बना सकते हैं एक थाली में। इस तरह से हम अपने मन चाहे शेप में पापड़ बना लेते हैं। अब 1 मिनट हो चुका है और हमारा पापड़ लगभग पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसी तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, हम इसे चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। अब ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। देखिए कितना पतला और कितना अच्छा पापड़ बना है। अब हम चाहे तो इसे ऐसे ही सुखा सकते हैं या फिर इसे टुकड़ों में काट लें। आप इसे चाकू की मदद से भी मनचाहे शेप में या फिर इसकी पट्टियां भी काट सकते हैं। अब हम इसी तरह से सारे पापड़ बना लेते हैं और इसे धूप में सुखा लेते हैं। हम चाहे तो इसे बीटरूट कलर मिलाकर रंगीन पापड़ भी बना सकते हैं। या हमने होममेड कलर यूज़ किया है। आप पालक की प्यूरी मिलाकर भी हरे रंग के पापड़ बना सकती हैं। अब इसी तरह से हम पापड़ बनाकर इसे सुखा लेते हैं। ये बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। अभी पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। हम इसे गरम तेल में तलेंगे।
देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बड़े हल्के बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।